दोस्तों, अब मेरे ग्राउंड के प्लांट बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं मेरे साथ और बहुत ही कलर ऐड कर रहे हैं और बहुत ही खिले खिले से दिख रहे हैं। कुछ दिनों पहले बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण और ग्राउंड में सनलाइट ना मिलने के कारण मेरे प्लांट्स बहुत ही मुरझा चुके थे और सारा गार्डन बहुत ही तहस नहस हो चुका था इन बारिश के द्वारा। तो अब मैंने फिर से वही लुक लाके खड़ा कर दिया है अपनी मेहनत के कारण। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग के सामने इस एक बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट जो समर का पेरिनियल प्लांट है, तो आप लोग के लिए ये प्लांट लेकर आई हूँ। दोस्तों, आप लोग जो ये देख रहे हैं ग्राउंड में लगा हुआ ये फ्लावरिंग प्लांट, ये ऑरेंज डे लिलीज के नाम से जाना जाता है। ये समर का बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है। वैसे तो इसका नाम डे लिली है, बट ये लिली फैमिली से बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करता, क्योंकि जो लिली प्लांट्स होते हैं वो बल्ब के थ्रू उनकी ग्रोइंग होती है, बल्ब के थ्रू हम उसको प्रोपोगेट कर सकते हैं। बट ये जो डे लिली है इसमें कोई भी आपको बल्ब्स नहीं मिलेंगे, बल्कि ये रूट के द्वारा ही इनकी प्लांट मतलब हम रेडी कर सकते हैं। अगर आप इसके मिट्टी को हटा के देखेंगे, इसके नीचे आपको राइजोम्स मिलेंगे जो एक रूट की शेप में होती है, उसी के द्वारा हम लोग इसकी प्लांट रेडी कर सकते हैं और डिवीज़न के मेथड हम इसके बहुत सारे प्लांट रेडी कर सकते हैं। दोस्तों, मैं बस एक ही प्लांट लेकर आई थी और धीरे धीरे देखिए ग्राउंड में कितने सारे मे बी 6 to 7 प्लांट्स रेडी हो चुके हैं राइजोम के थ्रू। तो आप लोग अगर इसे गमलों में लगाते हैं तो कोशिश करें थोड़ा बिग साइज़ का गमला दे और हर 1 या 2 साल के बाद इनके जो राइजोम्स है, जो प्लांट्स रेडी हो रहे हैं, उनको डिवाइड करके ज़रूर अलग हटा दे और नया प्लांट्स रेडी कर ले। क्योंकि अगर उसी गमले में पड़े रहने देंगे तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, क्योंकि इसको फैलने की जगह बिल्कुल ही नहीं मिलेगी। अगर फैलने की जगह नहीं मिलेगी तो आपका इसमें फ्लावरिंग भी नहीं आएगा। तो कोशिश करें करके कि हर 1 या 2 साल के बाद इसके राइजोम्स को अलग करके नया प्लांट रेडी कर लीजिए। मेरा ये जो प्लांट है डे लिली का, ये हाइब्रिड वेराइटीज़ के हैं और इसमें आप देखेंगे करके कि डबल ट्रिपल पेटल्स के इसमें फ्लावरिंग आती है। ये बहुत ही जल्दी ग्राउंड को जैसे कवर करता है, जैसे मैंने बताया सिंगल पेटल्स में भी आते हैं। बहुत ही आजकल जैसे वाइट कलर के, येलो, प्लेन येलो कलर के, पिंक कलर के, आजकल ऐसे ऐसे कलर्स के वैरायटीज़ के इसके आपको प्लांट्स रेडी मिलेंगे। बट मेरा ये डबल कलर का है, आप लोग को दिख रहा होगा ऑरेंज एंड येल्लो का मिक्सचर है जो बहुत ही डिफरेंट लुक दे रहा है। मैंने इस प्लांट के चारों तरफ देखिए, मैंने ये वृंदावन के हैच को ग्रो करके रखा हुआ है। दोस्तों, जब भी मैं कोई प्लांट लगाती हूँ मैं उसको एक डिफरेंट लुक देने की कोशिश करती हूँ, तो इसीलिए मैंने चारों तरफ से एक सर्कल के तौर पर मैंने वृंदावन के हैजेस को लगा के रखा हुआ है, ताकि बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल लगे मेरे गार्डन में। डेलीली का प्लांट दोस्तों, ये एक पेरिनियल प्लांट है जो समर में हर साल इसकी बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग स्टार्ट हो जाती है। इनकी ब्लूमिंग अप्रैल से लेकर जून जुलाई तक बहुत ही लंबे समय तक इसमें हैवी ब्लूमिंग होती रहती है। और अगर आपके वहाँ पर बहुत ही सर्दी होती है तो कोशिश करें दोस्तों कि आप अपने गमलों को कोई शेडी लोकेशन में शिफ्ट कर दीजिए। इनको वार्म्थ प्लेस बहुत ही अच्छा लगता है, जहाँ पर बहुत ही गर्माहट होती है वहाँ पे इसकी ग्रोइंग बहुत ही अच्छी होती है और बहुत ज़्यादा ब्लूमिंग होती है। मेरे इस प्लांट में लास्ट मंथ में ही बहुत ही अच्छी बर्ड फॉर्मेशन हो गई थी, बट इसमें ब्लूमिंग नहीं हो रही थी क्योंकि लगातार बारिश होने के कारण जो भी बर्ड्स आ रहे थे वो सड़ के नीचे गिर जाते थे, क्योंकि ब्लूमिंग होने के लिए इसको सनलाइट की ज़रूरत होती है। अब मौसम संभला है तो इसमें ब्लूमिंग होना स्टार्ट हो गया। दोस्तों, मैं बस वेट कर रही थी कि कब बारिश रुकेगी और मेरे इस प्लांट में कब ब्लूमिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही बारिश रुकी, मैंने 1-2 दिन में देखा इसके जो बर्ड्स हैं उसमें ब्लूम्स होने स्टार्ट हो गए। जैसे कि आप देख रहे हैं एक ही राइजोम के थ्रू मेरे कितने सारे प्लांट्स बन गए हैं। अगर मैं चाहूँ तो नीचे से इसके राइजोम को कट करके नया प्लांट रेडी कर सकती हूँ, बट मैंने इसको थोड़ा सा ग्राउंड कवर के तौर पर रखा हुआ है। नीचे से इसकी शूट निकलती है और ये 1.5 से 2 फीट ऊँचाई पर जाती है। एक्चुअली ये शूट को हम स्केप कहते हैं, जो बिल्कुल टिप में जाकर इसकी ब्लूमिंग होती है। हर स्केप में आप देखेंगे इसमें 12 के करीब इसमें बर्ड्स फॉर्मेशन होती है और डेली एक एक फ्लावर इसमें बंचेस ऑफ फ्लावर्स खिलते रहते हैं। और इसे हम डे लिली इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मॉर्निंग में इसकी ब्लूमिंग होती है और शाम होते होते ये स्पेंट हो जाता है। तो एक ब्लूमिंग होती है और रोज़ एक एक इसकी स्पेंट आपको फ्लावर नीचे गिरते हुए दिखाई देंगे। फिर भी दोस्तों, कितने सारे जितने स्केप होंगी उतने उसके फ्लावर्स होंगी और देखिए कितने सारे
नंबर्स ऑफ बर्ड्स हर स्केप में आपको मिलेंगे और इसीलिए बहुत ही सुंदर लगता है ये प्लांट। इस बात का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना है दोस्तों, जब हम इसकी राइजोम को ग्रो करते हैं स्टार्टिंग में, तब हमें उसमें थोड़ी फर्टिलाइज़र की अमाउंट को कम करके इसको ग्रो करना है। जब इसके राइजोम के थ्रू प्लांट बन के रेडी हो जाता है, तब हमें अच्छे से फर्टिलाइज़ करना है। जब भी इसकी सॉइल मिक्सचर रेडी करें तो आधा हिस्सा गार्डन सॉइल, आधा हिस्सा कोई भी ऑर्गेनिक कंपोस्ट और आधा हिस्सा से कम हमें सैंड की मात्रा को यूज़ करना है। मैं थोड़ा सा कम सैंड इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब भी हम इसकी सॉइल मिक्सचर बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा वाटर होल रहना है। अगर हम आधा हिस्सा सैंड डाल देंगे तो बहुत जल्दी इसकी सॉइल सूखने स्टार्ट हो जाएंगी, बहुत ही जल्दी इसकी मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगी सॉइल से। दोस्तों, ये प्लांट मॉइस्चर लविंग प्लांट होने के कारण इसमें सैंड की अमाउंट को थोड़ा कम कर देना है। जिस तरह से हम दूसरे प्लांट के लिए सॉइल मिक्सचर रेडी करते हैं उस तरह से नहीं, बल्कि इसमें सैंड की अमाउंट को थोड़ा सा कम ज़रूर कर देना है ताकि इसमें काफ़ी लंबे समय तक इसमें मॉइस्चर बना रहे। सैंड ज़्यादा डालेंगे तो बहुत जल्दी इसकी सॉइल ड्राई हो जाएगी, जो कि इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर इसकी सॉइल को एकदम ड्राई रखेंगे तो धीरे धीरे दिखेंगे इसके जो राइजोम है वो सूखने स्टार्ट हो जाएंगे। और स्पेंट फ्लावर को ज़रूर इसके स्टॉक से हटाते जाइए, और जैसे ही हम हटाएंगे देखेंगे दूसरे बर्ड्स में उसके एनर्जी लेवल ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर इसमें स्पेंट फ्लावर को पड़े रहने देंगे तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी लेता रहेगा, जब तक वो सूखकर नीचे ना गिरे तब तक वो एक्स्ट्रा एनर्जी लेता रहेगा, इसीलिए इसको इस कैप में से हटाना बहुत ज़रूरी है। मैं इस वीडियो के बाद सारे इस जितने स्पेंट फ्लावर है इनको हटा दूँगी। मॉर्निंग की सनलाइट जो 12 बजे तक आती हो, ऐसी लोकेशन पे आप अपने प्लांट को ग्रो करिए या तो प्लांटर्स को रखिए। दोस्तों, इसे 12 बजे के बाद की जो हार्ड सनलाइट होती है इसको बिल्कुल ना दे। दोस्तों, इस प्लांट को कभी भी केमिकल फर्टिलाइज़र ना दे, जितना कोशिश करे इसको जब भी फर्टिलाइज़ करे ऑर्गेनिक कंपोस्ट ही दे। मैंने आपको अपने बहुत सारे वीडियो में बताया है कि मैं कभी भी अपने प्लांट्स में केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं डालती हूँ और मेरा गार्डन फुल्ली ऑर्गेनिक है। दोस्तों, कभी भी मैंने केमिकल फर्टिलाइज़र कभी भी कोई भी प्लांट के लिए ट्राई नहीं किया आज तक। और जब भी आप देखें कि ऊपर से सारे फ्लावर्स जब सूख जाते हैं, स्पेंट हो जाते हैं, जो इसकी मेन स्केप है उसको नीचे से कट कर दीजिए। कट करते ही आप लोग देखेंगे कि नीचे से और भी न्यू न्यू शूट निकल रही है, और वो जितने इनके शूट्स आएंगे उतने ही उनमें टिप्स में फ्लावरिंग होगा और काफ़ी लंबे समय तक आपको फुल्ली फ्लावर्स देते रहेगा। तो इसकी सॉइल को हर समय मॉइस्ट करके रखिए, ड्राई होने तक इसको मतलब वेट ना करें और डेली इसको वाटरिंग करें मॉर्निंग में। दोस्तों, इस प्लांट को एसिडिक सॉइल बहुत ही पसंद है। एसिडिक सॉइल बनाने के लिए आप अपने सॉइल मिक्सचर पर ये चाय की पत्तियों को भी यूज़ कर सकते हैं, जो ड्राई करके हम लोग इसको रेडी करते हैं। दोस्तों, जैसे ही सर्दियां स्टार्ट होती है आप लोग देखेंगे इसकी सारी लीव्स धीरे धीरे ड्राई होने स्टार्ट हो जाती हैं। जब ऐसा स्टेज में आ जाए तो आप लोगों ने क्या करना है, इस प्लांट को नीचे से 1 फुट छोड़कर ऊपर से सारी लीव्स को इसको कट कर देना है और इसको सर्दियों में थोड़ा सा ऐसे लोकेशन में रख दे, शेडी एरिया में इसको शिफ्ट करके रख देना है और इसमें हल्का हल्का वाटरिंग करते रहना है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये डे लिलीज के ऊपर जो मैंने केयरिंग टिप्स दी है कैसे लगी ज़रूर कमेंट के थ्रू बताना। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिए। तो मिलते हैं मेरी न्यू वीडियो में कुछ न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने और अपने गार्डन का ढेर सारा ख्याल रखिए दोस्तों। कीप गार्डनिंग, हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।